पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख पूर्णिमा के दिन को भगवान बुद्ध जयंती और निर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। इस साल बुद्ध पूर्णिमा शुक्रवार 5 मई 2023 को पड़ी। बुद्ध पूर्णिमा का दिन बौद्ध धर्म को मानने वाले और साथ ही हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत ही खास दिन होता है। इस दिन हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार लोग पवित्र नदियों में स्नान आदि कर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं और व्रत भी रखते हैं। वहीं बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग बुद्ध पूर्णिमा के दिन को भगवान बुद्ध की जयंती के तौर पर बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। आज विदिशा के अजमतपुर चौराहे पर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर लोग एकत्रित हुए और बड़े धूमधाम से जयंती मनाई, जिसमें सभी लोगों ने वहां आने जाने वाले लोगों को खिचड़ी का वितरण भी किया। जी सर, मेरा नाम हरिराम अहिरवार है और भगवान बुद्ध की आज वैशाखी पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध दुनिया के ऐसे शख्स रहे हैं जिन्होंने जन्म भी, ज्ञान भी और उनका महापरिनिर्वाण दिवस भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। महात्मा बुद्ध ने जो है विश्व को शांति का संदेश दिया है। इस उपलक्ष्य में हमने जो है भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने का प्रयास किया है, ताकि तथागत बुद्ध के संदेश को हम जन जागरूकता के माध्यम से, समाज कल्याण के माध्यम से और मानवता का जो संदेश दिया बुद्ध ने, उस संदेश को हम समस्त भारत देश में प्रचार प्रसार और उसे अपनाने का प्रयास करते हैं। इसी के लिए सभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जय भीम, जय भारत। मेरा नाम कार्यक्रम रखा गया अच्छा। क्या मेरा नाम टीकाराम अहिरवार है। आज ये कार्यक्रम बुद्ध पूर्णिमा पर रखा गया है। भगवान बुद्ध की आज जयंती है। बाबा साहब ने जो हमें संदेश दिया था शांति प्रिय, मतलब हर चीज़ में शांति परिवर्तन का ये मतलब नारा है, और हमारा ये कार्यक्रम आज से और पहले से ही मतलब हमारा कंटिन्यू ये कार्यक्रम चल रहा है कि सुबह मतलब 8:30 बजे से 9 बजे तक कंटिन्यू बाबा साहब अम्बेडकर के यहाँ मतलब नगर के लोग आएँ, बाबा साहब को मानने वाले लोग आएँ, धर्म प्रेमी लोग आएँ, मतलब कंटिन्यू ये कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा। इसकी कोई मतलब कल्पना नहीं है। बाबा साहब का कंटिन्यू कार्यक्रम